मैं हूं कहानी वाला और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई कहानी। पुराने लोग कहते हैं जिंदगी सर्कल में चलती है, इससे एक संतुलन बना रहता है। तो जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतने ही पीछे जा रहे हैं, जितने बड़े इमारतों में जा रहे हैं उतने ही छोटे दायरे में सिमटे जा रहे हैं। सन 1984 की बात है। खान साहब अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। वहां अपने चचेरे नाना जी से मुलाकात हुई। नाना जी इंजीनियर के रूप में बीकानेर में कार्यरत थे, खान साहब दिल्ली में कार्यरत थे। बातों बातों में उन्होंने नाना जी से बीकानेर आने की बात कही। नाना जी ने झट से कहा, आओ आओ जब दिल करे, अपना पता बता दीजिए, हम आ जाएंगे। खान साहब ने भी झट से कहा, अरे बीकानेर पहुंचकर किसी से भी अशफाक उल्ला खां का नाम लेना, मेरे घर तक पहुंचा जाएगा। नाना जी ने बड़े बेबाकी से कहा। इस बात को हुए कुछ महीने बीत गए। खान साहब को नाना जी के साथ हुई बात याद आई। उन्होंने सोचा, चलो बीकानेर हो ही आते हैं। बस क्या था, बीवी और अपने नवजात बच्ची को लेकर खान साहब बस में बैठकर बीकानेर के लिए रवाना हो गए। रात के 9:30 बज गए थे और बस बीकानेर के बस अड्डे पहुंच गई थी। अंधेरा था और वीराना फैला था। थोड़ी दूर पर एक पान की दुकान दिखाई दी। खान साहब बीवी बच्चे के साथ वहां पहुंच गए और कहा, भाई साहब ये अशफाक उल्ला खां के घर जाना है, आप जरा पता बता देते तो बहुत मेहरबानी होती। पान वाले ने कहा, कुछ पता होगा आपके पास, बताइए तो शायद कुछ बता पाऊं। जी पता तो नहीं है हमारे पास, उन्होंने बताया नहीं, खान साहब ने बड़ी मायूसी से कहा। पान वाला बड़ा अचंभित हुआ और बड़े मायूसी से कहा, जी तब तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक काम कर सकते हैं, यहां से कुछ दूरी पर मुसलमानों का मोहल्ला है, वहां काफी लोग रहते हैं, तांगे वाले को बोलता हूं वो छोड़ देगा, वहां आप पता कर लें। पान वाले ने तांगे वाले को बुलाया और उसे मोहल्ले का पता बताया। खान साहब ने पान वाले को शुक्रिया कहा और परिवार सहित तांगे पर बैठ गए। मोहल्ला पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। तांगे वाले ने वहां खान साहब को बताया कि यही मोहल्ला है, आप पता कर लें। खान साहब वहीं उतर गए। पहला घर जो दिखा वहीं दरवाजा खटखटा दिया। छोटे शहर में लोग रात को सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं और सुबह की रोशनी को बर्बाद नहीं होने देते। मुर्गे भी इंसानों को देखकर बांग देते हैं, तो वाजिब था कि उस समय भी घर में सब सो रहे होंगे। खान साहब ने कुछ देर और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक भारी आवाज आई, कौन? खान साहब ने कहा, जी अशफाक उल्ला खान है। हाँ मैं हूं, बताइए क्या चाहिए, झट से जवाब आया। खान साहब नाना जी की आवाज तो पहचानते थे, उन्होंने सोचा ये नाना जी की आवाज तो नहीं है। आप इंजीनियर हैं? खान साहब ने कुछ और इंक्वायरी कर डाली। दरवाजा अब खुल गया और ये बात साफ हो गई थी कि ये वो अशफाक उल्ला नहीं है जिसे खान साहब को तलाश थी। जी नहीं मैं इंजीनियर तो नहीं, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? एक सांस में उन्होंने सारी बातें कह डाली। जी मैं दिल्ली से आ रहा हूं, दरअसल मेरे नाना जी यहीं बीकानेर में रहते हैं, उन्होंने अपना पता तो नहीं बताया, कहा था बीकानेर आ जाओ मैं मिल जाऊंगा। खान साहब ने सारी बातें बताई। देखिए अब इतनी रात में कहां ढूंढेंगे उनको, बीवी बच्चे भी साथ में हैं, मैं तो कहूंगा कि आज रात यहीं रुक जाइए, कल सुबह देख लेंगे, बड़ी आपक्ता से उन्होंने खान साहब से गुजारिश की। खान साहब थोड़ा घबराए, अनजान शहर अनजान आदमी, ऐसे तो किसी के घर रुका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, नहीं नहीं अब इतनी दूर आ गए हैं तो ढूंढ ही लेते हैं। मैं तो अब भी कहूंगा कि खाना खा लो आप, हमारे पास एक अलग कमरा है, वहीं आज की रात गुजारिए, दूसरे अशफाक उल्ला खान साहब ने नसीहत दी। खान साहब फिर भी नहीं माने, बीवी के चेहरे पर भी थोड़ी असहजता थी। जब बार बार बोलने के बाद भी खान साहब नहीं माने तो दूसरे अशफाक उल्ला जी उन्हें एक पास के घर ले गए। वो एक तांगे वाले का घर था, ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी ही काम करके वापस आया है। घोड़े को वो बांध ही रहा था, उसने भी खान साहब को अपने घर रुकने का न्योता दे डाला। खान साहब फिर भी नहीं माने तो तांगे वाला तैयार हो गया। तांगा तैयार कर वो खान साहब और उनकी बीवी बच्चे के साथ रात के अंधेरे में निकल पड़ा। इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, कुछ अदब से मिले, कुछ नींद टूटने के गुस्से से मिले, पर नाना जी नहीं मिले। 3 घंटे कब निकल गए पता चला भी और नहीं भी। तांगे वाले ने कहा, अब आप बात समझो, रात हो गई है, मेरे यहां रुक जाओ खुदा के लिए, कल सुबह फिर चलेंगे, क्यों बेकार में खुद तो परेशान हो रहे हो, बीवी बच्चे को भी परेशान कर रहे हो। खान साहब भी थक चुके थे।
हताश उन्होंने भी सहमति दी, लेकिन उन्होंने कहा, ये आखिरी प्रयास करने दो, फिर आपके घर ही चलेंगे। तांगे वाला मान गया, पर उसने कहा कि ये आखिरी प्रयास होगा। खान साहब को पता था कि नाना जी मुशायरे में भी जाते हैं। वहां पास में एक मस्जिद थी, उन्होंने सोचा यहां कोई जानता होगा। बीवी बच्चे को तांगे में छोड़, खान साहब और तांगे वाला मस्जिद के सीढ़ियों को चढ़ते हुए एक छोटे से कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। रात काफी हो गई थी, दरवाजा खटखटाया और काफी देर तक खटखटाया। थोड़ी देर में अंदर से चिल्लाने की आवाज आई, नामाकूल हैं ये सारे, इतनी रात गए कोई ऐसा करता है, कौन है बदतमीज। और झट से दरवाजा खुला और एक तमतमाए से एक बुजुर्ग मौलवी निकले। डरते डरते तांगे वाले ने खान साहब की व्यथा को बताया। क्या नाम है उनका, गुस्से में मौलवी ने पूछा। जी अशफाकुल्ला खां हैं, इंजीनियर हैं, मुशायरे में भी जाते हैं, खान साहब ने भी डर डर के बताया। डीएससी में इंजीनियर हैं, मौलवी ने गंभीरता से पूछा। जी हाँ, खान साहब ने कहा। अच्छा, मैं जानता हूँ पता। फिर मौलवी साहब ने उनका पता खान साहब और तांगे वाले को बताया। दोनों ने उनको शुक्रिया कहा और नाना जी के घर की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर एक घर के दरवाजे को खटखटाया तो एक सज्जन ने बताया कि आगे गली से बाएं मुड़कर हरे रंग की एक गेट है, वही है इंजीनियर अशफाकुल्ला का घर। वहां पहुंचकर काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से आवाज आई, कौन। खान साहब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, नाना जी की ही आवाज थी। जी मैं अशफाक, नाना जी दरवाजा खोलिए, खान साहब ने बड़े उत्साह से कहा। कौन अशफाक, अंदर से डरे डरे आवाज में नाना जी ने पूछा। उन्हें डर था कि इतने रात में जरूर कोई लुटेरे होंगे। अरे नाना जी, मैं अशफाक, दिल्ली से, अभी शादी में मिले थे। नाना जी ने हल्का सा दरवाजे का सिक्कड़ को खोलकर देखा तो अवाक रह गए और झट से पूरा दरवाजा खोल दिया। अरे अशफाक, तुम यहां इतनी रात गए, आंखों में आंसू लिए नाना जी बोल पड़े। उन्होंने खान साहब को गले लगा लिया। आपसे पता पूछा था, आपने कहा बीकानेर आओ, हमारा नाम लोगे तो लोग दरवाजे तक छोड़ेंगे, खान साहब ने बड़ी मायूसी से कहा। अरे हमें लगा तुम ऐसे ही पूछ रहे हो, बीकानेर क्यों आओगे, बड़े मासूमी से नाना जी ने भी जवाब दिया। खान साहब ने जेब से 100 रुपये निकालकर तांगे वाले को देना चाहा तो तांगे वाला बिदक कर थोड़ी दूर खड़ा हो गया। आंखों में उसके आंसू भर आए और उसने कहा, तौहीन ना करें, भाई समझ कर मदद की थी, पैसे की लालच में थोड़ी ही की थी। यह बोलते हुए वो तांगे पर बैठा और रात की अंधेरी गलियों में खो गया। खान साहब बस देखते रह गए। इन यादों में जो जी रहा हो उसे आज की जिंदगी कैसे रास आएगी। अपने अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल से नीचे झांकते हुए जब खान साहब लोगों को रोड पर चलते देखते हैं तो सोचते हैं कि काश मिल जाते वो पुराने लोग। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अंक में एक नई कहानी, नई कविता के साथ। मैं हूं कहानी वाला।